हेलो भाई, मैं पवार। मेरे पीछे खड़ी हुई है एक ऐसी कार अभी जो 5.5 लाख रुपए के नीचे आती है और मोस्ट वैल्यू फॉर मनी है। 5.5 लाख रुपए में ऐसी कार मिल जाए बहुत बड़ी बात है। ये जो कंपनी अवेलेबल करा सकती है ना, वो है वन एंड ओनली मारुति। ये 5.5 लाख रुपए में 1.2 लीटर का आपको पेट्रोल इंजन ऑफर करती है। तो कौन सी गाड़ी है, क्या फीचर्स हैं और ओनर का क्या विचार है उसके बारे में, चलिए उन्हीं से जानते हैं। तो सबसे पहले हम सत्यजीत भाई का स्वागत करते हैं जो इग्निस चलाते हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू। मैं बात कर रहा था इग्निस कार की। ये 1.2 लीटर वाली कितने की पड़ी थी भाई आपको? मेरे को ये लगभग 5.5 लाख रुपए की पड़ी थी। तो ये भाई इग्निस का ना बेस वेरिएंट है जो है सिग्मा। इसमें 4 वेरिएंट आते हैं, सिग्मा, डेल्टा, उसके बाद जेटा और अल्फा। फिर अल्फा कैसे ढूंढ ली इतनी वैल्यू फॉर मनी कार आपने? वरना तो लोग इतनी मतलब वो अल्टो एस्प्रेसो भी रह जाते हैं 5.5 लाख रुपए के बजट में। पहले सच्चाई बताऊं तो मैं भाई को फॉलो करता हूं, ठीक है, और भाई की मैंने वीडियो देखी थी। तो जब भाई एक बार इसको ड्राइव कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि कितनी साइलेंट गाड़ी है। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है इसका, जो कि बहुत ही बढ़िया पावरफुल इंजन है, ठीक है। मैंने ये पेट्रोल में ली, लोग बात कह रहे थे कि भाई सीएनजी में भी ले सकते हो आप, लेकिन मैंने ये सीएनजी में नहीं ली। सीएनजी में कोई और गाड़ी वैगनर वगैरह मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि इसकी जो पावर है 1.2 लीटर में वो शायद मुझे वहां नहीं मिल पाती, और वो कहीं ना कहीं इससे महंगी भी बहुत ज्यादा हो रही थी। वो लगभग 6.5 लाख रुपए की मुझे पड़ रही थी और ये 5.5 लाख रुपए की पड़ रही थी। मैंने सोचा क्यों 1 लाख रुपए स्पेंड करूं। ये क्रोम कंपनी से ही लगा आता है यार, बेस मॉडल लगता नहीं है यार। लगता नहीं है, मैं वही कह रहा था अरुण भाई कि ये क्रोम भी बेस मॉडल में है और BS6 में इनकी थोड़ी सी लुक कहते हैं ना कॉस्मेटिक चेंज वो कर दिए थे आगे से फ्रंट बम्पर और बैक बम्पर। बेस मॉडल में आपको 2 पावर विंडो मिल जाएंगी, सेंटर लॉकिंग मिल जाएगी और ये आपका पावर का जो लॉक अनलॉक वाला है वो मिल जाएगा। उसके अलावा बाकी गाड़ी स्टॉक थी। ये नेक्सा अपनी गाड़ियों में ना कम से कम 2 पावर विंडो तो देता ही देता है, बलेनो की बात करो या इग्निस की भी। अरुण भाई एक चीज और मैं भूल गया था, वो चीज और मैं आपको बता दूं। तो बेस मॉडल के अंदर ही आपको 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं जो कि किसी भी गाड़ी में नहीं आ रहे थे। 2 मिलते हैं या 3 भाई, मिलते हैं। हैरियर, सफारी, 127 डबलो सब में तो ये आते हैं। और इसमें 4 पार्किंग सेंसर आप देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4 है। हाँ ये तो है यार, वही ना फीचर्स ऐसे दे देती है और इंजन इतना अच्छा देती है ना मारुति, अंडर आ बजट, एक बजट के अंदर बहुत बढ़िया पैकेज। अभी बहुत लोग कहेंगे कि इसमें सेफ्टी नहीं होती। भाई इग्निस और इनकी एस्क्रॉस ब्रेजा बस इन्हीं में सेफ्टी है, सेफ्टी वाइज भी गाड़ी ठीक ही है। मेन बात भाई 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, आप ऑफ रोडिंग मिनी SUV कह सकते हो उसको, ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो इससे, थोड़ी बहुत कर सकते हो। तो इसमें भाई बॉडी रोल तो आता होगा फिर? नहीं, मैंने चलाई है, मैंने लगभग ये 140-150 चलाई है, जो कि मैं रेकमेंड नहीं करता किसी को भी, बट फिर भी मैंने चलाई। और उसके बाद जैसे अभी KMP से चल के आ रहे थे तब भी इसमें किसी टाइप का कोई बॉडी रोल नहीं है। जैसे आप कम स्पीड पे चलते हो तो थोड़ा सा जैसे गड्ढे वगैरह आते हैं वो महसूस होते हैं क्योंकि स्टिफ सस्पेंशन है इसका, हाई उसकी वजह से, ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से सस्पेंशन स्टिफ हो गया। तो ये बात है, और कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। यार इसके ब्रेजा से भी भारी वो दरवाजे जी, आप मतलब कि मैं कह रहा हूँ ना, मैंने आपको फॉलो करा था, ठीक है, मैंने आपकी वो जो वीडियो देखी ना उसके बाद में मेरे को ये फील हुआ था कि भाई गाड़ी सच में बहुत जबरदस्त है। मैं काफी दिन से तलाश कर रहा था। स्पेस भी बढ़िया है भाई यार जी, मेरी हाइट 6'2" है आप देख लो, और मेरे हिसाब से ये एडजस्ट है, और पीछे आप देख लो स्पेस। फिर आधा दूर ब्लैक करवाया बस, ये इसलिए करवाया था कि वो जो कर्टन वगैरह नहीं आते तो वहाँ अच्छा, से अच्छा, थोड़ा अच्छा। सा रह जाता तो धूप वगैरह जैसे अंदर जाती है ना, इसलिए। पर मैं रेकमेंड नहीं करता क्योंकि चलान चाहे छोटा सा हो चाहे बड़ा सा हो। मैंने देखा था आपकी एक वीडियो थी जिसमें आपके बैक ग्लास टिंटेड था और उस पे आपका 5,000 रुपए का चलान कटा था गुड़गांव में। ये HR क्षेत्र कहाँ का नंबर है? ये पटौदी का नंबर है सर। तो पटौदी से आए हैं, बस से आए। बस इनकी ये कमी रह जाती है, ये दे देते ये चीज मेरे को भी कहीं ना कहीं गलती है क्योंकि ये चीज अगर ये हटा के यहाँ दे देते तो शायद कहीं बात बन जाती। पर आपको पता है कि मारुति है, कोस्ट कटिंग तो करती है, बताती है कि हाँ ये बेस मॉडल है और कोस्ट कटिंग के नाम पे सबसे बड़ा कोस्ट कटिंग करती है। बताओ यार ये RFM मीटर ही नहीं देते, होता टैकोमीटरी मिसिंग रहता है इनके बेस मॉडल्स में से। हाँ जी ये दिक्कत है बस इनकी, और ये पावर विंडो दे देती है लेकिन वो मेन चीज है ना भूल जाती है। मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, मेरे को जो थोड़ी सी फील होती है जब भी मैं चलाता हूँ, जैसे ड्राइव करते टाइम इस पे हाथ रख देते हैं ना, तो यहाँ पे देखो ये क्वालिटी देखो आप एक बार, ये क्वालिटी बहुत ही हल्की लगती है। ये चीज तो मुझे महसूस होती है कि हाँ यार ये तो कहीं ना कहीं मारुति वालों को काम करना चाहिए, इस पे बहुत ज्यादा हल्का फील होता है। बाकी उसके अलावा मेरे को गाड़ी में कहीं भी कोई फील ऐसा कुछ आया नहीं, काफी पावरफुल गाड़ी लग रही थी मेरे को ये। और मैंने अभी तक लगभग 2500 किलोमीटर चला दी है
ये देखना भाई क्वालिटी काफी ठीक चल रही है गाड़ी। 2500 किलोमीटर मैंने गाड़ी लगभग चला दी है। जो कहते हैं लोग कई बार के पहली सर्विस के बाद में आपकी एवरेज बढ़ जाती है, लेकिन मुझे तो अभी ये 20 की माइलेज दे रही है। मैं जब लाया था तब से लेके अब तक मैं एक बार पहाड़ों में भी जा चुका हूँ इसको लेके, 20 की एवरेज से 1% भी नीचे नहीं थी। एसी में चलाई थी। और बताओ भाई और कौन कौन सी कार देखी थी आपने? भाई मैं पहले बता दूं, मैं था शेवरलेट का फैन। अच्छा, सबसे पहले बताऊं तो मेरी जो जिंदगी की पहली गाड़ी थी वो थी शेवरलेट की स्पार्क। अच्छा, ठीक है। वो ऐसी पसंद आई मेरे को कि मैंने फिर लगातार 4 गाड़ियां शेवरलेट की खरीदी, चारों स्पार्क खरीदी, पेट्रोल में और सीएनजी में दोनों खरीद के चलाई मैंने, चार चार। अच्छा, क्योंकि जैसे ही मैं कंडीशन की गाड़ी लाता लोग पसंद कर लेते तो कहते भाई हमें दे दे, तो फिर वो उनको देनी पड़ जाती, फिर मैं दूसरी ले आता। क्योंकि मेरे को वैगनार में, ऑल्टो में और सेंट्रो में मजा नहीं आया था उस टाइम तक, क्योंकि जो बिल्ड क्वालिटी उसकी थी उस टाइम पे शेवरलेट की, और जो पावर थी, 4 सिलेंडर इंजन था। आपको पता है अल्टो में वैगनार में 3 सिलेंडर इंजन है जो कि नॉइजी होता है। और स्पार्क एक ऐसी गाड़ी थी जो छोटी सी थी लेकिन बिल्कुल साइलेंट गाड़ी थी। उसके बाद मैंने स्कोडा सुपर्ब खरीदी थी एक सेकंड हैंड। उसके बाद में जब वो स्कोडा सुपर्ब बेच के हमने छोटी गाड़ी लेने का प्लान किया, क्योंकि हमारे वहां भी रास्ते इतने अच्छे नहीं है जैसे आपके यहाँ पे, ऐसे ही हमारे हैं तो वहां पे भी टच हो जाती है गाड़ी, तो इसलिए मैंने सोचा कि कोई बढ़िया सी गाड़ी देखते हैं। अभी तक आप सेकंड हैंड ही चला रहे थे? जी, मैं अभी तक ये फर्स्ट कार है। जी जी, जो पहली बोली है, पहली नई गाड़ी है। तो इस बार भी सेकंड हैंड क्यों नहीं ली भाई? 5.5 में तो आपको और बढ़िया बढ़िया गाड़ियां मिल जाती है, होंडा सिटी टाइप्स। देखो पुरानी गाड़ी होती है तो सच्चाई पुरानी गाड़ियों का ये है सच कि आप ले लो, सस्ती ले लो, सस्ती के चक्कर में ले लो, लेकिन वहां पे आप कहीं ना टाइम अपना खराब करते हो, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहती है। वही टाइम आप मिस्त्री को दोगे, वहां पे पैसे भी दोगे, टाइम भी दोगे, इससे अच्छा एक बार ले लो और सारी टेंशन भूल जाओ। नई गाड़ी लगभग मेरे ख्याल से 5 साल तक तो ये दिक्कत देने वाली है नहीं। ये बात वो भाई बोल रहे हैं जो 5 गाड़ियां ऑलरेडी सेकंड हैंड रख चुके हैं, तो पूरा एक्सपीरियंस है इनका। बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मैं रख चुका हूँ, मैं बहुत परेशान हुआ था उसके बाद में मैंने नई गाड़ी। और एक बार तो मेरे साथ इतना बुरा इंसिडेंट हुआ कि मेरे को है ना फोर्थ ओनर गाड़ी मिल गई, और वो भी पुरानी जो पहले, हाँ पुरानी जो आरसी आती थी उनमें ओनरशिप नंबर नहीं लिख के आता था, बड़ी वाली जो आरसी आती थी पेपर वाली, तो वो दे दी फोर्थ ओनर गाड़ी हमें। और जब हमें बाद में जब हमारी चढ़ के आई तो वो छोटी आ गई, आजकल डिजिटल हो गया, तो उसमें जब 5वां ओनर हमारा आया तो हम देखते रह गए, मगर यार हमारा तो पैसा वेस्ट चला गया, हमारे साथ धोखा हो गया, ये बहुत बड़ा, मतलब बहुत फ्रॉड होता है सेकंड हैंड, बहुत ज्यादा होता है जी। और फिर वो लाने के बाद में 15,000 किलोमीटर चली और उसके बाद में फिर खराब हो गई, पूरा इंजन खत्म हो गया था उस गाड़ी का। एस्प्रेसो नहीं देगी? एस्प्रेसो देखो यार, छोटी स्कोर पे बोलते हैं उसको, मैं बताऊं आपको बात, वो कुछ ज्यादा ही छोटी थी। मेरी हाइट मैंने आपको बताई 6'2" है, तो उस हिसाब से मेरे को इस टाइप की चाहिए थी जिसमें कि हेडरूम भी थोड़ा अच्छा हो, और मैं अपने तरीके से अगर सीट को एडजस्ट कर लूं तो पीछे भी 2 बंदे आराम से बैठ जाए, तो इस हिसाब से मैंने ये गाड़ी चूज करी। क्योंकि इसमें जब मैंने बैठ के देखा तो काफी स्पेस है, और इसकी जो सीट है ये आप कुशनिंग वाली जो सीट देख रहे हो, ये वाली सीट मेरे को वैगनर में भी नहीं मिली, ऑल्टो में भी नहीं मिली, और एस्प्रेसो में भी नहीं मिली, जबकि वो तो सीएनजी ऑप्शनल में भी आ रही थी एस्प्रेसो, और हम चाह भी रहे थे कि सीएनजी ले ले, लेकिन बाद में किसी ने सजेस्ट करा कि आप पेट्रोल पे जाओ, क्योंकि आज आप 1,00,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं सीएनजी 1,00,000 किलोमीटर या 70,000-80,000 किलोमीटर चलने के बाद में कहीं ना कहीं दिक्कत दे जाती है आपको। अच्छा। ये बात सच्चाई लग रही थी, तो मैंने सोचा पेट्रोल पे ही चले जाते, क्योंकि पेट्रोल में तो इतनी कुछ खास दिक्कत आनी है नहीं। तो भाई एक सेकंड, मैं आपको ना एक चीज बताना चाहूंगा जो मैंने आपसे ही सीखी थी कि मैं अभी इस गाड़ी को स्टार्ट करूंगा और आप देखना कि अंदर नॉइस है या नहीं है, क्योंकि ये चीज मैंने आपसे ही देखी थी तभी मैंने ये गाड़ी फाइनल करी थी। तो ये देखो गाड़ी स्टार्ट, रिफाइंड इंजन तो काफी है मारुति के, मतलब आप एसी का अगर ये पंखा चला देंगे ना तो इसकी आवाज भी आपको सुनाई दे जाएगी, बट इंजन की आवाज नहीं सुनाई देगी। और कई बार तो हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि दोबारा भी सेल्फ लग जाती है कि भाई गाड़ी बंद खड़ी है, स्टार्ट करनी है, तो दो दो बार सेल्फ लगा दी जाती है गलती से। चलाने में भी है उतना ही मजा फिर इसका? मजा, पूरा मजा। मैं स्कोडा सुपर चला रहा था, मैं आपको बता दूं, जो 170 BHP थी, और मतलब क्या कहूं, वो गाड़ी बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट थी, मतलब कि आप चलते चलते अगर उस पे एक्सेलरेट कर दो तो उसके टायर स्पिन करने लग जाते थे, रोड पे आवाज आने लग जाती थी, इतनी हाई पावर थी उसमें। और उसके बाद जब मैंने इस पे स्विच किया तो मेरे को मतलब 19-20 तो फर्क देखो होता है, वो कहाँ 170 BHP हो गए, ये हमारी 82-85 BHP है, देखो मेरे को श्योर नहीं है, बट फिर भी मेरे को इसमें कुछ इतना खास फर्क लगा नहीं। मैं सच बताऊं तो मेरे को ये फील हुआ ही नहीं कि मैं स्कोडा छोड़ के और मारुति पे आ रहा हूं। यार बहुत बड़ी बात बोल रहे हो भाई, अब स्कोडा और मारुति का कंपैरिजन देखो है तो बड़ी बात, मैं आपको बताऊं, क्योंकि देखो स्कोडा स्कोडा है, आपको पता है जर्मन कार है, ठीक है, बट उनका जर्मन कार का वही है, आप एक्सेलरेट करोगे आपको मजा तो आएगा बट उतना ही मेंटेनेंस में आपको खा जाएगी वो,
अब ये एक तो 6 और 8 की एवरेज दे रही थी वो, और ये सीधा मैं आ गया 20 एवरेज पे, कितना फर्क पड़ गया मेरे लिए। तो यही सीएनजी बराबर होगी कि मैंने स्कोडा पे सीएनजी लगवा दी, ऐसा महसूस होता है। भगने में पावर पूरी है, मतलब कि 140 150 तक मैंने भगाई, ना तो कोई बॉडी रोल आया इसके अंदर, और ना ही मतलब मुझे ये महसूस होता है कि जैसे ब्रेक मारते तो गड़गड़ाहट सी महसूस हो जाती है ना, कई बार हाई रेंज पे चली जाती है गाड़ी, तो ऐसा कुछ भी नहीं। ब्रेक भी स्मूथ, चलने में स्मूथ, बॉडी रोल बिल्कुल नहीं है इसके अंदर, बहुत ही बढ़िया गाड़ी लगी। मुझे लगा कि मैं भाई के पास आऊं और बताऊं लोगों को, ताकि और ज्यादा अवेयरनेस फैल सके कि हाँ भाई मारुति में अभी भी कुछ गाड़ियां हैं जो बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है रियलिटी में भाई। मतलब 545 के हिसाब से ऑन रोड प्राइस हमें बता रहे हैं, एक्स शोरूम कितना था भाई इसका? इसका एक्स शोरूम था 490 के आसपास का। तो जितना कम प्राइस होता है ना उतना कम टैक्स लगता है, और ऑन रोड प्राइस आपको फिर उसी हिसाब से बनता है, इंश्योरेंस वगैरह सबकी वैल्यू हट जाती है। तो इस पे डिस्काउंट भी था? डिस्काउंट था सर, मैं आपको बताता हूँ सच्चाई, 5,70,000 रुपए की थी ये ऑन रोड प्राइस, 25-30,000 का उन्होंने मेरे को डिस्काउंट दे दिया। एक्सटेंड किट मेरे को वैल्यू फॉर मनी लगी थी, क्योंकि उसमें है ना कि ये हेड यूनिट पायनियर की आ गई थी, उसके साथ में 2 स्पीकर दे दिए थे इन्होंने जो कोएक्सल स्पीकर थे, एक तो वो हो गया, मैट हो गए, फोग लैंप हो गए, साइड ग्लाइडिंग होगी, व्हील कैप हो गए, बैक कैमरा हो गया, हेड यूनिट विद 2 स्पीकर हो गए, इतनी सारी चीजें मेरे को मिली थी एक्सटेंड किट में, और ये पड़ी थी लगभग मेरे 37,000 के समथिंग पड़ी थी। वैसे यार बलेनो का भी आ जाता अगर आप थोड़ा और मिलाते पैसे तो, 50,000-1,000 रुपए बलेनो में ना। मैं सच बताऊं तो मैंने लोग पब्लिक रिव्यू देखे थे बलेनो के, तो बलेनो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी हल्की लगी। और आप एक बार, आपकी मैं बताता हूं, जब आपने चैनल शुरू किया था आप नंबर प्लेट लगवाने जा रहे थे, मुझे आज भी याद है वो इंसिडेंट, जब आपके बैक वाले बम्पर में नंबर प्लेट लगा रहे थे तो उसकी क्वालिटी इतनी हल्की थी कि मैं क्या बताऊं आपको, मेरा वहीं पे टूट गया। मगर नहीं यार, है तो ये भी मारुति ही है, मारुति ही, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी में, इसके जो हार्ड प्लास्टिक है इसमें और उसमें फर्क है। यार बताओ, वो एक प्रीमियम हैचबैक बना रहे हैं, ये एक छोटी गाड़ी है, जब भी इन्होंने इतना वो कर रखा है डिफरेंस बिल्ड क्वालिटीज में, बहुत कार लेने में तो जरूर से भाई के चैनल पे विजिट करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जी। भाई चैनल का नाम है कार गौरव, इसी से मॉडिफिकेशन से रिलेटेड अपनी वीडियो अपने चैनल पे डालता रहता हूँ, तो आप हो सके तो अगर आपको ठीक लगे तो आप बिल्कुल सपोर्ट कीजिए मुझे। बिल्कुल भाई, चलिए भाई यही थी इग्निस की वीडियो, देखने आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।